नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा के इस स्पेशल एडिशन में सबसे पहले बात गाजा में चल रहे महायुद्ध की। इसराइल ने कहा कि उसने हमास के एक बहुत बड़े कमांडर को मार डाला। एमन नौफाल हमास की सेंट्रल गाजा ब्रिगेड का कमांडर था। अब इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह युद्ध लंबा खिंचेगा, लंबा चलेगा। लेकिन अब ईरान की तरफ से आई दो बड़ी वार्निंग, दो सबसे बड़ी चेतावनी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक इशारा कर रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगले कुछ घंटों में इसराइल पर बहुत ही बड़ा हमला हो सकता है। ये लेबनन सीरिया का बॉर्डर है और सामने इजराइल के टावर है। टावर पर छोटे रडार भी लगे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगे हैं और सर्विलांस कैमरे भी लगे हैं। तभी झाड़ियों में से निकलती है एक स्नाइपर की राइफल और फिर देखिए क्या होता है। पहले रडार पर गोली फायर होती है, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ा जाता है, फिर सर्विलांस कैमरे पर गोली पड़ती है। यह सब कुछ इजराइल लेबनन बॉर्डर पर हो रहा है। इजराइल डिफेंस का पूरा निगरानी स्ट्रक्चर हिजबुल्ला ने उखाड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो नेतन्याहू को डरा देगा। ये हनीता बॉर्डर पॉइंट है, यहां एक मिसाइल निकलती है और सीधे बॉर्डर पर खड़े इजराइल के मरकावा टैंक को फोड़ देती है। एक बार देखिए हमला कैसे होता है। धुआं छटता है तो इजराइल के बाकी टैंक भागने लगते हैं। दूसरा वीडियो दोहरा बॉर्डर पॉइंट से आया है, यहां भी इजराइल का मरकावा टैंक घूम रहा था और फिर होता है एक बड़ा हमला। हिजबुल्ला एंटी टैंक मिसाइल फायर करता है। मिसाइल टैंक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है और इजराइल के मरकावा में बहुत बड़ा धमाका होता है। लेबनन बॉर्डर पर इजराइल के टैंक पर हमलों का वीडियो बहुत डराने वाला है। इजरायली टैंक के ऐसे तबाह होने की तस्वीरें जब ईरान पहुंची तो वहां के विदेश मंत्री ने बहुत खतरनाक बयान दे दिया। हुसैन अमीर अब्दुल्ला हिया ने कहा कि अगले कुछ घंटों में इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। हिजबुल्ला की तरफ इशारा करते हुए ईरान ने कहा है कि अगर ईरान और लेबनन ने इजराइल को जवाब नहीं दिया तो इजराइल की सेना तेहरान और बेरूत पर कल हमला कर देगी। सूरत तदावुम जनायात जंगी रेजिम कुदकुश इसराइल अलैह साकिनान गैर निजामी गज़ा हर एहतमाली मुतसव्वर हस्त। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की फौज जिस तरह से गाजा को हजारों टन बम मारकर समतल कर रही है, इसने ईरान को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है। ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया का एक एक इंच नापकर इजराइल की ताकत का पूरा अंदाजा लगा लिया है। इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो युद्ध को गाजा बॉर्डर से निकालकर इजराइल और लेबनान के बॉर्डर तक ले जाए और हिजबुल्ला से एक नया फ्रंट खोल दे। गाजा में पहले से ही खूब बमबारी और गोलीबारी की जा रही है, लेकिन हिजबुल्ला के आने से एक नया फ्रंट खुल जाएगा और दो फ्रंटों पे इजराइल पूरी लड़ाई लड़ेगा। इजराइल पर हमले का खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका तक को चेतावनी जारी कर दी है। अली खामनेई ने कहा है कि अगर गाजा में इजराइल के जुल्म खत्म नहीं हुए तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को रोक नहीं पाएगी। हमास के हमले के बाद ईरान ने इस वक्त अपने मिलिशिया गुटों और मित्र देशों को एक्टिव कर दिया है। सऊदी अरब, जॉर्डन
और मिस्र से भी इसराइल को कड़वे शब्द ही मिले हैं। इस वक्त हिजबुल्ला भी एक्टिव है, इस वक्त सीरिया भी एक्टिव है, इस वक्त इराक में आईएसआईएस का खात्मा करने वाली फोर्स हश्द अल शाबी भी तैयार है, इस वक्त यमन भी एक्टिव है। सितंबर महीने में ही यमन ने अपनी मिलिट्री परेड निकाली थी और इस परेड में ऐसी ऐसी मिसाइल और ड्रोन दिखाए जो इस इलाके में अमेरिका और उसके दोस्तों को परेशान कर सकते हैं। यमन वो देश है जिसने पिछले 8 वर्षों तक सऊदी अरब और उसके 15 साथी देशों से युद्ध लड़ा, जिस युद्ध में उसके खिलाफ अमेरिका भी रहा, ब्रिटेन भी रहा और इसराइल ने भी यमन के खिलाफ मदद की। अब वही यमन अमेरिका और इसराइल दोनों को ललकार रहा है। युद्ध की ऐसी ललकार, ऐसा गुस्सा आप इस इलाके को पश्चिम एशिया कहकर बुलाइए, इसे खाड़ी कहिए या फिर मिडिल ईस्ट, नाम कितने भी हों, लेकिन इस वक्त यूक्रेन के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका कोई है तो वो यही जमीन है। पिछले 4 दशकों से यह इलाका युद्ध देख रहा है। यमन के इस मिसाइल का नाम है तूफान, जो 1000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। इस मिसाइल से यमन ने सऊदी अरब को कई बार डराया है। इसराइल को भी लगता है कि यमन को ऐसे और हथियार मिल सकते हैं और फिर वो उसके लिए खतरा बन जाएंगे। ईरान भी यही डर फैलाना चाहता है। जाहिर है कि इसराइल के लिए ये एक नया फ्रंट साबित हो रहा है। अब गाजा के धमाकों ने हिजबुल्ला के साथ ईरान को युद्ध में कूदने के लिए तैयार कर दिया है, इसलिए इसराइल और अमेरिका के खिलाफ उसका युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अमेरिकाई ها همونطور که گفتم پیام هایی رو میدن، به ما هم پیام دادن، پیامشون به ایران شامل تاکید بر خویشتنداری و عدم گسترش جنگ. ما به آمریکایی ها پاسخ میدهیم که ما به دنبال گسترش جنگ نیستیم، اما خویشتنداری نمیتونه یک جانبه باشه. شما نمیتونید به حزب الله لبنان توصیه بکنید خویشتنداری بکنه، بعد به نتانیاهو بگویید دست شما رو باز میگذاریم هر جنایتی رو میخوای علیه غیر نظامیان انجام بدهید. اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حزب اللہ کے پاس قریب 1.5 لاکھ راکٹ ہیں جس کے ٹارگٹ پر اسرائیل ہے. 1.5 لاکھ راکٹ کیا کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے. 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर एक साथ 5000 रॉकेट दागे, जिसकी वजह से इसराइल का आयरन डोम भी पूरी तरह से नाकाम हो गया। सवाल यह है कि अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है तो फिर क्या होगा? ऐसे हालात में अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि ईरान के आसपास अमेरिका के इतने मिलिट्री अड्डे हैं जहां से ईरान के खिलाफ हमले लॉन्च किए जा सकते हैं। इसलिए कोई शक नहीं कि गाजा में युद्ध के साथ साथ अब इसराइल से पहले उसने अमेरिका के फौजी अड्डों को अपने टारगेट पर ले लिया है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहां अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहां उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहां 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहां उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहां उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहां 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश हैं जहां से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन ये अड्डे भी ईरान की जद में हैं और इस वक्त इसराइल तक उसके मिसाइलों की रेंज में आ चुका है। ईरान के ड्रोन की रेंज भी बढ़ती जा रही है। अब पश्चिम एशिया के वो इलाके भी उसकी पहुंच में हैं जहां अमेरिका के अड्डे हैं और इस वक्त नेतन्याहू और बाइडन दोनों ईरान की बढ़ती ड्रोन पावर को लेकर काफी बौखलाए हुए हैं। अगर इसराइल और लेबनन बॉर्डर पर युद्ध होता है और इसमें ईरान भी शामिल हो जाता है तो समझ लीजिए इन सभी अड्डों से ईरान पर हमले लॉन्च किए जाएंगे या फिर ईरान इनको अपने मिसाइल अटैक से मिट्टी में मिला देगा। ईरान पहले ही अमेरिका को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और अब गाजा इसराइल के बीच युद्ध ने युद्ध का एक नया बहाना दे दिया है। महाजंग के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसराइल पहुंच रहे हैं, लेकिन इसराइल यात्रा से पहले जो बाइडेन की ट्विटर पोस्ट इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई। बाइडेन का कहना है कि इस्लामोफोबिया नफरत से ही जुड़ा हुआ है, यहूदी विरोधी भावना नफरत से जुड़ी हुई है।
सवाल यह है कि तेल अवीव पहुंचकर बाइडेन युद्ध को क्या और भड़काने वाले हैं या फिर युद्ध विराम करवाने वाले हैं, क्योंकि बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन जाने वाले हैं जहां वो मिस्र और फिलिस्तीन के राष्ट्रपतियों से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट जब इसराइल की सरजमीं पर कदम रखेंगे तो कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। जो बाइडेन का खास प्लेन एयरफोर्स वन लैंड होगा, प्लेन का दरवाजा खोलेगा और मुस्कुराते, हाथ हिलाते, कुछ ऐसे ही डग भरते बाइडेन प्लेन की सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। उनके साथ साथ सुरक्षा में तैनात वो स्पेशल शख्स भी रहेगा जिसके पास मौजूद बैग अमेरिका को सुपर पावर बनाता है। यह ऐसा बैग है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को सर्वशक्तिमान बनाता है। काले रंग के लेदर के इस बैग में कयामत का कोड वर्ड बंद रहता है। साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन और दिन के 24 घंटे यह बैग प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ रहता है। क्योंकि इस बैग में अमेरिका के सभी परमाणु बमों का बटन रहता है। बाइडेन के साथ साय की तरह चलते इस बैग को न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। एक ऐसा फुटबॉल जो चंद मिनटों में अमेरिका के 6000 से भी ज्यादा एटम बम को पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए लॉन्च कर सकता है। वही न्यूक्लियर फुटबॉल बाइडेन के साथ इजराइल पहुंचने वाला है। लेकिन परमाणु बम के बटन पर पहुंचने से पहले ही अमेरिका के दो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल पहुंच गए हैं। अमेरिका के ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भूमध्य सागर से इजराइल हमास युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका ने जिन दो एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल की मदद के लिए भेजा है उनके नाम हैं यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ 12 स्ट्राइक ग्रुप होता है, वहीं यूएसएस आइजनहावर के साथ 2 स्ट्राइक ग्रुप होता है जो हमला करने में मास्टर होते हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस और भी कई घातक युद्धपोत भूमध्य सागर में इजराइल के पास पहुंचे हैं। इसके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है। फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध में इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका का फोर्ड क्लास का कैरियर दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके बारे में पूरी डिटेल देखिए, जानना बेहद जरूरी है क्योंकि जो हालात बने हुए हैं उसमें अब इजराइल को यही सबसे बड़ा कैरियर जो है महफूज करेगा, बचाएगा कैसे। आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल तफसील से। दरअसल इसे CVN-78 भी कहते हैं और इसके अलावा ये कैरियर 1,00,000 टन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो पैदा करता है। 1,00,000 टन जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है, ये वो ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इससे आधे से भी कम का वजन यहां पर कहा जाएगा। हम डिटेल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज जो हालात है उसमें ये एयरक्राफ्ट जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलता है, यानी कि न्यूक्लियर पावर के जरिए इसकी पूरी ताकत यहां पर आती है, यानी इसकी रेंज अनलिमिटेड है, यानी दायरे में नहीं बंधी हुई है और ये
दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है। अब रफ्तार भी आप जान लीजिए, दरअसल ये एयरक्राफ्ट कैरियर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की बेहद तेज रफ्तार, वो रफ्तार जो कि समंदर में अपना आधिपत्य, अपनी ताकत जमा सकती है। ये कैरियर बहुत अच्छी रफ्तार इसकी यहां पर कही जाएगी, क्योंकि 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अपने आप में बेहद तेज यहां पर हो जाती है। और इस कैरियर पर करीब 3000 नौसैनिक जो है वो तो तैनात किए जाते हैं, यानी दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा टारगेट ये बन जाता है और बन सकता है, क्योंकि 3000 नौसैनिक का यहां पर होना अपने आप में महत्ताकत इसकी बताता है। आगे बढ़ते हैं आगे और इस डिटेल को बेहद गौर से देखिएगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 विमान, सुनिए आप 90, ये संख्या बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और हेलीकॉप्टर भी इसमें तैनात किए जा सकते हैं, यानी कि वो ताकत जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, ये महामुकाबले के लिए पूरी तरह से तैनात और तैयार रहती है। आगे बढ़ेंगे तो 75 सिर्फ लड़ाकू विमान है, यानी कि जो लड़ाकू विमान आप यहां पर देख रहे हैं उनकी संख्या 75 है। अभी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर सुपर हॉर्नेट विमान तैनात है, सुपर हॉर्नेट और F-35 इसका तैनात होना अपने आप में बताता है कि किस तरह से F-35 स्टेल्थ फाइटर भी ये ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, और उनको पूरी तरह से तैनात करने की यहां पर तैयारी की जा रही है। तो ये है इसकी महत्ताकत। यानी युद्ध की इस घड़ी में एक तरफ अमेरिका के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती और दूसरी ओर खुद बाइडेन का पहुंचना बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। बाइडेन के इस वॉर टाइम दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। युद्ध में इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इजराइल में लैंड होने से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि अमेरिका इसराइल में अपने सैनिकों को भेजेगा और इनकी संख्या 2000 के करीब होगी और इनके नाम भी फाइनल होने की खबर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये सैनिक युद्ध नहीं लड़ेंगे इसराइल में, बल्कि इसराइल की सेना को सपोर्ट और सुझाव देने का काम करेंगे। अमेरिकी सैनिकों के इसराइल पहुँचने से पहले तेल अवीव पहुँच कर बाइडेन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे, इसराइल की सुरक्षा का भरोसा देंगे और हमास के खिलाफ छिड़े युद्ध की जानकारी लेंगे। लेकिन बाइडेन का ये दौरा उनके सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है। वजह, हमास की तरफ से इसराइल में हो रहे रॉकेट हमले। ऐसे में हो सकता है कि बाइडेन को तेल अवीव में बंकर में भी रहना पड़े, बंकर में ही बेंजामिन नेतन्याहू से बाइडेन की बातचीत हो, बंकर में ही मीटिंग कर बेंजामिन नेतन्याहू बाइडेन से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर सकते हैं। सवाल है, आखिर ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है कि इसराइल पहुंचने के बाद बाइडेन को बंकर में मीटिंग करनी पड़ सकती है? जवाब आपको सोमवार यानी 16 अक्टूबर को तेल अवीव में इजरायली संसद के शीत सत्र से पहले दिन के इस वीडियो को देखकर मिल जाएगा। 16 अक्टूबर इजरायल की संसद, तेल अवीव में इजरायल के संसद के शीत सत्र का पहला दिन था। संसद की कार्यवाही अभी शुरू ही हुई थी तभी अलर्ट सायरन बजने लगे। इस वक्त एक महिला सांसद बोल रही थी, उन्होंने स्पीच बंद की और इसके फौरन बाद सभी सांसद और प्रधानमंत्री नेतन्याहू बंकर नुमा रूम में चले गए। कुछ देर बाद कार्यवाही फिर शुरू हुई। ऐसे में जिस वक्त बाइडेन तेल अवीव में होंगे, अगर उसी वक्त हमास ने रॉकेट दागने शुरू कर दिए तो मजबूरन बाइडेन को बंकर में जाना होगा, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हमास के पास रॉकेटों का बहुत बड़ा गोदाम है। मिसाइल के तौर पर हमास के इस अंडरग्राउंड गोदाम को देखिए, इसे देखने के बाद बताने को कुछ नहीं रह जाता। देखिए गाजा की जमीन के अंदर सुरंगों में कैसे हमास ने अपनी मिसाइलों को लगा रखा है। इस वीडियो में भी दिखाया गया है कि हमास कैसे इन मिसाइलों को युद्ध में लॉन्च करता है। ये वीडियो जारी कर हमास ने ना सिर्फ इसराइल को बल्कि अमेरिका को भी चेतावनी दी है। चेतावनी ये कि हमास के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, ना तो इसके पास रॉकेट लॉन्चरों की कमी है और ना ही मिसाइलों की। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके निशाने पर केवल तेल अभी भी नहीं, इसराइल का चप्पा चप्पा है जहां कभी भी वो रॉकेट दाग कर तबाही मचा सकता है। इसराइल को भी हमास के हथियारों के बारे में जानकारी है। इसराइल की फौज हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है, गाजा में घुसकर हमास के सर्वनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है,
सिर्फ उसे सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। इसराइल चाहता है कि अमेरिका हमास के खिलाफ ऑपरेशन में उसकी मदद करे। बेनामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से $10 बिलियन की मिलिट्री मदद मांगी है। इसके लिए नेतन्याहू बाइडेन को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही नेतन्याहू गाजा में जमीनी कार्रवाई के लिए समर्थन की मांग करेंगे। जमीनी कार्रवाई का सीधा मतलब है इसराइल की सेना गाजा बॉर्डर को पार करेगी, गाजा में घुसेगी। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध और भी भयंकर हो जाएगा, क्योंकि तब गाजा की गलियों में स्ट्रीट फाइट शुरू हो जाएगी और स्ट्रीट फाइट में कितनों की जान जाएगी ये कहना मुश्किल है। गाजा की हालत यह है कि अब लोग समंदर का खारा पानी पी रहे हैं। अस्पतालों में जनरेटर का ईंधन भी खत्म हो गया है। 24 घंटे में एक आदमी के पास खाने के लिए औसतन आधी रोटी महज बाकी है। इतना सब होने के बाद भी गाजा पर कूटनीति चमकाने की राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन असल मदद के लिए आगे कोई नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल यह है कि जब गाजा के लिए सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो वहां इजरायल की बमबारी से बचने के लिए 20 लाख लोग अब करेंगे तो आखिर क्या करेंगे। अक्टूबर को हमास ने जो किया उसका असर अमेरिका के अंदर भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका की है, जहां पर एक 6 साल के फिलिस्तीनी बच्चे का नमाजे जनाजा पढ़ा जा रहा है। ये 6 साल का बच्चा एक अमेरिकी नागरिक यहां किराए पर अपनी मां के साथ रह रहा था, लेकिन इस बच्चे को उसी के 71 साल के बुजुर्ग ने चाकू से 26 वार करके मार डाला। इस बच्चे के परिवार वालों ने रोते हुए अमेरिका की सरकार से प्रार्थना की है कि जो युद्ध गाजा के अंदर चल रहा है उसको अमेरिका ना शिफ्ट किया जाए। I just want to tell the whole world that we live in a country called the USA. We're not in war. And we're not bringing war here too. What happened that day for a gentleman that he loved that kid to start with. He used to bring him toys. Now, I want to ask anybody here, a 71-year-old man sitting on top of a 6-year-old kid, stepping him more than 26 times, and he was looking in his eyes. You tell me, is that exaggeration? You tell me what type of man he can do that. हमास के हमले और फिर इजरायल के क्रूर बदले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। फ्रांस के अंदर एक टीचर और उसकी 2 बच्चों की मौत एक 20 साल के शेचन मूल के शख्स ने कर डाली है, और चीन के अंदर भी इजरायल के एक डिप्लोमेट पर हमला हुआ है। इजिप्ट में भी 2 यहूदियों की आतंकी हमले में हत्या हुई है। हमास के नफरती तूफान ने पूरी दुनिया को धर्म युद्ध में झोंक दिया है और सबसे बुरा हाल गाजा का हो गया है। गाजा में 11वें दिन भी इजरायल की बमबारी लगातार जारी है। ये तय तो हो गया है कि बुधवार को बाइडेन इजरायल पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इजरायल ने हमले को रोकने के कोई संकेत अब तक नहीं दिए हैं। गाजा के खान यूनुस कैंप पर भी इजरायल ने रात भर बहुत जबरदस्त बमबारी की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान,
कई बड़े नेता इजराइल से संयम बरतने की अपील कर चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। अरबी भाषा में छपने वाले फिलिस्तीन के अखबारों में जो सूचनाएं छप रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। फिलिस्तीन न्यूज नाम की एक न्यूज वेबसाइट ने दावा किया है कि अब तक गाजा पट्टी के अंदर 7,000 इमारतें टूट चुकी हैं और 10,000 से ज्यादा फ्लैट्स बर्बाद हो चुके हैं। गाजा के लोगों का हाल क्या है, आगे आप उनके बयान भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी उस भूख की जिससे गाजा के लोग परेशान हैं। गाजा भूखा है, गाजा प्यासा है और यहाँ पर सारे इंतजाम फेल होते जा रहे हैं। फिलिस्तीन न्यूज के मुताबिक इस वक्त गाजा के अंदर एक व्यक्ति को खाने के लिए 24 घंटे में सिर्फ आधी रोटी मिल रही है। इसके अलावा साथ में मांस का एक डिब्बा दिया जा रहा है। एक मांस का डिब्बा 10 लोगों के लिए है। बिजली खत्म होने की वजह से अब लोग कार की बैटरी और सोलर पैनल से ही अपना फोन चार्ज कर पा रहे हैं। गाजा में जनहानि ना हो, इसके लिए इजराइल ने इस योजना पर काम करना शुरू किया कि उत्तर गाजा के लोगों को दक्षिण गाजा जाना चाहिए। 10 लाख लोग उत्तर गाजा को खाली कर चुके हैं। ऐसे में अब किसी भी वक्त इजराइल की आर्मी विनाश लीला शुरू कर सकती है। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम भी लोगों को राहत पहुंचाने में पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। दरअसल इजराइल की चेतावनी के बाद यूएन की कुछ टीमें पहले ही उत्तर गाजा छोड़कर दक्षिण गाजा जा चुकी हैं और उत्तर गाजा में अब भी बचे हुए लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। फिलिस्तीन के सबसे बड़े दुश्मन हमास के आतंकवादी बने हुए हैं, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया है कि दुनिया भर से गाजा के लोगों के लिए जो फ्यूल और राहत सामग्री पहुंच रही है वो हमास के आतंकियों तक पहुंच रही है और इसीलिए इजराइल वहां राहत सामग्री और फ्यूल पहुंचाने में अड़ंगा पहुंचा रहा है। इजराइल ने रफा क्रॉसिंग पर 2 बार एयर स्ट्राइक की है और ये एयर स्ट्राइक भी उस वक्त की गई है जब इजिप्ट के एक मंत्री रफा क्रॉसिंग के पास मौजूद थे। दरअसल रफा क्रॉसिंग पर राहत सामग्री से भरे हुए करीब 100 ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन अब तक इस राहत को गाजा के अंदर भेजे जाने पर कोई सहमति ही नहीं बन पा रही है। रफा क्रॉसिंग को खोलने की चर्चा पिछले 48 घंटों से चल रही है, लेकिन इसराइल की एयर स्ट्राइक एक धमकी की तरह मानी जा रही है। फिलिस्तीन न्यूज वेबसाइट ने यह समाचार छापा है कि गाजा के अंदर कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो कि दक्षिण गाजा नहीं जा रहे हैं और उत्तर गाजा पट्टी में ही मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। खान यूनुस के एक ऐसे ही परिवार को बमबारी झेलनी पड़ी है। इस परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है। नमाजे जनाजा पढ़ने के बाद इस हमले में मारे गए बच्चों को भी आखिरी अलविदा कह दिया गया। والولد وابوهم وامهم قالوا 2 طيبين وثمان تنفار فيها البيت وخلف اللي فوقهم ستهم وعمامهم طالعين هذول كاينين اما هذول اللي طالوهم ميتين في 2 احياء اصلا। हालात ये है कि खान यूनुस कैंप पर रात भर जिस तरह की खतरनाक बमबारी इजराइल के विमानों ने की है, यहाँ के खान यूनुस अस्पताल में एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई है जिसमें घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। अस्पतालों में भी इलाज कब तक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बिजली नहीं है और जनरेटर फ्रिज भी बंद होने की कगार पर है। पानी की कमी की वजह से अब यहाँ लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे और भी ज्यादा बीमारियां फैलने की आशंका जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है। इजराइल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो आतंकवादी हमला किया है उसके बाद से युद्ध शुरू हो चुका है और अब अगर कोई लाश गाजा में गिरती है या फिर इजराइल में गिरती है तो उसके लिए हमास ही जिम्मेदार माना जाएगा। इजराइल के एक आतंकवाद पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने की मार्मिक अपील भी की है। She looks very terrified. She looks like she's in big pain. I can see that she's saying what
they tell her to say, but I can see that she's stable. I can see she needs medical care. I don't know if she's dead or alive until yesterday. All I knew is that she's might be kidnapped. I'm begging the world to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival party, to have some fun. And now she's in Gaza. कुल मिलाकर हमास ने दुनिया को एक ऐसे कत्लोगारत में झोंक दिया है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। गाजा की तरफ से जब इजरायल पर हमले होते हैं वो भी बेहद खतरनाक। हमास इजरायल पर जब रॉकेट फायर करता है तो वहां के लोग आखिर क्या करते हैं, सड़क चौराहों पर उनके लिए जान बचाने के लिए क्या क्या जरिए होते हैं, ये इजरायल से बता रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज कुमार। हमास गाजा की तरफ से लगातार इजरायल के दक्षिणी शहरों पर एक के बाद हजारों की संख्या में हमले कर रहा है मिसाइल से, तो सवाल उठता है कि लोग अपने आप को बचाते कैसे हैं। इस वक्त हम लोग जेरोस शहर में, जो कि सुनसान पड़ा है, शहर में कोई नहीं है इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के, लेकिन इस वक्त हम लोग एक बस स्टैंड पे हैं और बस स्टैंड के बगल में हम वो स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं जो हमास के मिसाइलों से लोगों को बचाता है, इजरायल के दक्षिणी शहर के लोगों को बचाता है। ये बंकर है, ये बाहर में बंकर में होता है, ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों के बगल में यहाँ बस स्टैंड है, लोग बस पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए ये बंकर यहाँ बनाया गया। जब भी मिसाइल अलर्ट आता है लोग भागकर इसी बंकर में आ जाते हैं। ये बंकर कंक्रीट का होता है, कंक्रीट का, और मिसाइल जो हमास की तरफ से छोड़ा जाता है उसका असर इस पर नहीं होगा। इधर देख सकते हैं, यहाँ कम से कम 15 से 20 लोग इसमें एक साथ रह सकते, क्योंकि कम आबादी वाले शहर है तो बहुत ज्यादा लोग सड़कों पे नहीं होते एक वक्त में, ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों के बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। ये कंक्रीट का है, ये कंक्रीट का बना हुआ है, और ये बीच में एक दीवार होती है ताकि स्प्लिंटर, जब मिसाइल फटे, रॉकेट फटे तो स्प्लिंटर इसके बाद इधर ना आवे। इसके अलावा करम आप अंदर रहिए, इसके अलावा ये एक गेट भी बना होता है, लोहे का गेट होता है, बंद कर देते हैं लोग, बंद कर देने से कोई भी स्प्लिंटर अंदर नहीं आ पाता। तो इस तरह के बंकर ऊपर में बने होते हैं, आमतौर पे बंकर जमीन के अंदर बने होते हैं, लेकिन इस तरह के बंकर सार्वजनिक स्थलों पे ऊपर बने होते हैं, और जो घर होते हैं घरों में अंडरग्राउंड बंकर बने होते हैं कि अगर मिसाइल गिरे तो लोग अंदर जाकर छुप जाए। तो इस तरह के बंकर और सेफ जोन, इसे सेफ जोन कहा जाता है। हम भी कई बार रिपोर्टिंग के दौरान जब मिसाइल अलर्ट हुआ है तो इन्हीं बंकरों में जाकर अपने आप को सुरक्षित किया है और अपनी जान बचाई है। तो